नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल SB कंप्यूटर सर में स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के टॉपिक में हम सीखेंगे क्या, पावर पॉइंट में कैंडल बनाना। तो दीपावली के शुभ अवसर पर हम सीख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है कैंडल पावर पॉइंट में। तो आइए देखते हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको यहाँ डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद में आपको जाना है, यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में जाने के बाद में आपको क्या, ब्लैक कलर का लेना है। यहाँ से आपको ब्लैक कलर का लेना है। और ब्लैक कलर करने के बाद में क्या करना है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, शेप पे जाएंगे। तो शेप पे जाने के बाद इंसर्ट यहाँ है, और उसके बाद शेप पे जाइए, और शेप पे यहाँ से ये वाला शेप ले लेना है। उसके बाद में क्या करना है, इस शेप को यहाँ पे ऐसे बनाना है इस तरह से। और फिर इसको हम क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे, वाइट कलर करेंगे। फॉर्मेट पे जाके यहाँ से शेप फिल देख रहे हैं, यहाँ से आइए और वाइट कलर कर दीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाइट कलर हो गया। उसके बाद आउटलाइन जो है, शेप आउटलाइन को हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमने नो आउटलाइन कर दिया, और इसको यहाँ पे और कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी करने के बाद में हमें क्या करना है कि यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद में फिर हमें क्या करना है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं। इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद भी फिर एक बार कंट्रोल डी का लेना है। कंट्रोल डी करने के बाद में थोड़ा सा और छोटा करेंगे, उसको इससे मिला देंगे। इस तरह से हमने मिला दिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस तरह से बड़ा कर देना है। तो देख रहे हैं कि इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको बड़ा कर दिया। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करने के बाद में इसको भी हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इसके सेटअप करेंगे। कैसे सेटअप करना है, इस तरह से, और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इस तरह से हमने बड़ा कर दिया इसको। फिर कंट्रोल डी करिए, और एक और यहाँ पे लगा लेते हैं, और थोड़ा सा और भी पतला कर लेते हैं। इस तरह से हमने पतला कर लिया, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं पहले, और इसको भी यहाँ पे ला करके लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको लगा दिया, और थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। और ये होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है शेप पे। शेप पे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे आपको इंसर्ट मिल जाएगा, शेप मिल जाएगा, ओवल वाला यहाँ से ले लेना है। ओवल वाला लेने के बाद में यहाँ से इसको ले आना है। उसके बाद फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट पे और शेप फिल पे। शेप फिल पे जाने के बाद ग्रेडियंट वाला कलर यहाँ से उठाएंगे आप। उसके बाद ग्रेडियंट में यहाँ पे देखेंगे मोर ग्रेडियंट लिखा होगा। मोर ग्रेडियंट पे जाने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से ग्रेडियंट पे जाना है। देख रहे हैं, यहाँ से ग्रेडियंट, और उसके बाद में फिर यहाँ से ये वाला कलर ले लेना है। हमने ये वाला कलर ले लिया, ये कलर लेने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, और शेप आउटलाइन पे जाना है। शेप आउटलाइन पे जा करके नो आउटलाइन कर देना है। नो आउटलाइन करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे ऐसे, और छोटा भी थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ से छोटा करने के बाद में इसको यहाँ पे हम सेटअप करेंगे, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, इस पर ग्लो लाना है। ग्लो लाने के शेप इफेक्ट पे, उसके बाद यहाँ ग्लो देख रहे हैं। ग्लो पे जाने के बाद में ये वाला ग्लो हम ले लेते हैं। और ग्लो लेने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है इस ग्लो का कलर चेंज करना है। जिसके लिए फिर से आपको ग्लो पे जाना है। यहाँ पे देख रहे होंगे मोर कलर, इस पे आ जाना है। मोर कलर पे आने के बाद में यहाँ पे येलो कर देना है इसको। मैंने येलो कर दिया, अभी देख सकते हैं इस तरह से आपका कुछ बढ़ गया है। अब हम क्या करते हैं, एक शेप और लेंगे। एक शेप और लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा, और ये ओवल ले लेंगे, और इस ओवल को ऐसे लाते हैं यहाँ पर। उसके लाने के बाद में हम क्या करेंगे, इस शेप को लाने के बाद में हमें क्या करना होगा, जाना पड़ेगा फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट पे जाने के बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पे शेप पे जा करके, शेप इफेक्ट पे जा करके, और यहाँ पे देखेंगे सॉफ्ट एड्स लीव जो लिखा हुआ है, इस पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 पॉइंट दिख रहा होगा, 50 पॉइंट लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका ये हो जाता है।
उसके बाद इसके कलर को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिसके लिए हमें पार्ट पे जाना होगा और सेव फील पे जाना होगा। और कौन सा कलर कर लिया जाए, हम जो है ग्रेडियंट से जा करके कोई कलर ले लेते हैं। ग्रेडियंट पे जाएंगे, उसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे कि मोर ग्रेडियंट लिखा है। मोर ग्रेडियंट पे जाने के बाद में हमें क्या करना है, ग्रेडियंट पे जाना है। और ग्रेडियंट पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्रेसेट कलर लिखा हुआ है, ये वाला कलर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये वाला कलर ले लिया है और इसको करेंगे क्लोज। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला तो आपका हो ही गया है, अब जाएंगे हम कहाँ पे, सेव फील। सेव फील पे जाने के बाद ग्रेडियंट पे जाएंगे। ग्रेडियंट पे जाने के बाद में हमें क्या करना है, मोर ग्रेडियंट पे। और मोर ग्रेडियंट पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील वाला देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका ट्रांसपेरेंसी, और इस पे जाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएँगे बढ़ाएँगे देखेंगे थोड़ा सा, ये इसका ग्लो हटाएँगे। इस तरह से हमने कर दिया है। इस तरह से करने के बाद में इसको हटा देंगे, उसके बाद में यहाँ पे हमें इसको जो है लगा देना है कुछ इस तरह से। वैसे ये नीचे वाला दिख नहीं रहा तो इसको हम येलो कलर सीधे कर देते हैं ताकि दिखे। येलो कलर यहाँ से ले लेना है और हम येलो कलर ले लिए हैं। येलो कलर लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको सेंड टू बैक कर दे रहे हैं। सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया, अब ये सही से दिखेगा। और इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसका एनिमेशन करवाना है, जिसके लिए हमें करना क्या होगा कि इसमें जो है आपको पहले तो ये एनिमेशन करवा लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एनिमेशन पे, यहाँ एनिमेशन, उसके बाद में यहाँ पे कस्टम एनिमेशन, यहाँ से एक आ जाएगा ऐड इफेक्ट का। तो इस ऐड इफेक्ट पर जा करके यहाँ पर जाएँगे फेसिस, यहाँ पर फेसिस पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे होंगे एक लिखा है फ्लैश बल्ब, ये वाला ऑप्शन आप लोग ढूंढ लीजिएगा और इस पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमने फ्लैश बल्ब पे क्लिक किया और दोबारा फिर हम इस वाले जो आपका ओल का सेफ है इस पर हम जा करके, उसके बाद में ऐड इफेक्ट पे जाना पड़ेगा फिर से, और फिर यहीं पर आना है, उसके बाद में फ्लैश बल्ब पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका ये दोनों हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल दबा करके इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट। मैंने कर लिया सेलेक्ट और विथ कर देना है विथ प्रीव्यूज, यहाँ पे देख रहे होंगे विथ प्रीव्यूज आपको देखने को मिल जाएगा, विथ प्रीव्यूज यहाँ पे, इस पर हमने कर दिया। उसके बाद में क्या करना है, यहीं पर जो है हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइमिंग पर आना है। टाइमिंग पर आने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन देख रहे होंगे, ये वाला रिपीट टाइमिंग, रिपीट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है और 10 टाइम कर देना है आपको। 10 टाइम मैंने कर दिया, उसके बाद में यहाँ से क्या करना है, ओके ओके हमने कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से आपका ये एनिमेशन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपका एनिमेशन पूरा टोटली हो रहा है। तो इसके लिए हम F5 कर लेते हैं और F5 करने के बाद हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से हो रहा है। काफ़ी अच्छा आपका बन गया है कैंडल और एनिमेट भी हो रहा है काफ़ी अच्छा। आगे देखते हैं, अगर इसी तरह से और भी लाने हैं तो इन सबको क्या करिए, टोटल को ऐसे कर लीजिए सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर लीजिए। कंट्रोल डी करने के बाद में इसको इधर उठा करके कर लेते हैं और फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल डी फिर से एक बार इस टोटल को करते हैं सेलेक्ट और कंट्रोल डी फिर से करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ ले आना है। लाने के बाद में ये वाला जो सेफ है ये छूट रहा है, इसको भी हम यहाँ पर ले आएँगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया लेकिन ये पीछे नहीं है, बैक करते हैं। सेंड टू बैक जाएंगे फॉर्मेट पे, आप देख रहे होंगे फॉर्मेट वाला ऑप्शन और सेंड टू बैक यहाँ से कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपका ये हो जाता है। थोड़ा सा और इधर कर देंगे और इधर करने के बाद में एक बार और कंट्रोल डी करेंगे हम इसको। कंट्रोल डी करने के बाद में यहाँ पर भी लगा देंगे इसको। तो ये लगा दिए लेकिन ये ढक रहा है, जिसके लिए सेंड टू बैक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेंड टू बैक मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद में क्या करना है, हम इसका कैंडल का कलर ही चेंज कर देते हैं। कंट्रोल दबाइए और सारे शेप को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हमने सारे शेपों को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करेंगे। तो कौन सा कलर कर दिया जाए, यहाँ से हमने इसको यह कलर कर दिया। उसके बाद में फिर ये भी सेलेक्ट कर ले रहे हैं और इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट कलर में कुछ ही इसी डिफरेंट कलर में करेंगे। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब हम करवाते हैं यहाँ पे F5, अब हम करेंगे देखेंगे कि किस तरह से अब हो रहा है एनिमेट।
देख रहे होंगे कि कुछ इस तरह से आपका क्या हुआ, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। उम्मीद है यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।